badam badam dada kacha badam amar gache neko bubu bajao badam amar gache pabe shudu. So kacha badam song ke baad bhuvan ji laaye hain kacche badam ki recipe. जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा है, बिल्कुल आप लोगों ने सही देखा है, क्योंकि आज आप लोग के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सी कच्चे बादाम की रेसिपी लेकर आए, क्योंकि ट्रेंडिंग सॉन्ग तो बहुत हो गया है. अब हम लोग देखते हैं कि इनकी रेसिपी जो कच्चा बादाम है कितना हमारे हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाता है, ये मैं आपको अपनी रिसेंट वीडियो में बता चुकी हूँ. सो आज इसकी एक रेसिपी आप लोग के सामने लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है, और जो आप लोग के वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है. क्योंकि काफी सारे मिथ्स हैं कच्चे बादाम मीन्स पीनट को लेकर के, जो कि मैं आपकी लेटेस्ट वीडियो में आप लोग के कंफ्यूजन को या मिसकंसेप्शन को दूर कर चुकी हूँ. सो आज मैं उसकी आप लोग के लिए रेसिपी लेकर आके आई हूँ, क्योंकि ठंडे के मौसम में काफी ज्यादा स्पाइसी खाने का मन करता है, लेकिन आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है साथ में. सो आज आप लोग के लिए मैं हेल्दी टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है. और ये जो रेसिपी, इसका नाम है कच्चा बादाम चाट या पीनट चाट, जो कि आपको हेल्थ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाली है. सो इस सॉन्ग को सुनने के बाद में मेरे माइंड में कैसा आया कि क्यों ना हम लोग इसकी एक रेसिपी भी देखते हैं. सो जो ये रेसिपी है आप लोग के हेल्थ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाली है. तो सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं कच्चे बादाम की रेसिपी, मीन्स कच्चे बादाम की चाट. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं. तो इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है पीनट्स, मींस कच्चा बादाम, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है. सो ये जो कच्चा बादाम है मैंने इसको पील करके लिया, लेकिन आप जैसा कि ध्यान दे रहे हैं कि मैंने इसकी जो पिंक कलर की स्किन उसको रिमूव नहीं किया है, क्योंकि इसके जो फाइबर्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, हमारे हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. साथ ही मैंने इसमें अनियन लिया है चॉप्ड करके, फाइनली चॉप्ड किया है, और साथ ही मैंने इसमें टोमेटो भी लिया है चॉप्ड करके, और इसको मैं इसको पीनट चाट में ऐड करने वाली हूँ. साथ ही मैंने कुछ कोरिएंडर लीव्स दी हैं ताकि इसका जो कलर टेक्सचर और काफ़ी टेम्पटिंग दिखे इस वजह से, और हल्का सा मैंने ग्रीन चिली लिया है ताकि इसका थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आ सके. साथ ही सॉल्ट लिया है, बिना सॉल्ट के तो हर चीज़ ज़रूरी है. साथ ही मैंने लेमन लिया है ताकि हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आए. तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें इंक्लूड करते हैं अनियन, जो कि चॉप्ड है, इसको इंक्लूड करना है हमें. उसके बाद में हम लोग को जो इंक्लूड करना है वो है टोमेटोज. टोमेटोज जो होते हैं वो भी काफ़ी जूसी रहता है, तो जो उसके स्किन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कर देता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है. साथ ही मैंने इसमें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स को ऐड किया है, और अब इसके बाद जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है ग्रीन चिली. इससे काफी अच्छा चटपटा टेस्ट आता है इस चाट का. चाट का तो मतलब ये है कि कुछ चटपटा हो जाए. और इसमें मैंने सॉल्ट को ऐड किया है, सॉल्ट आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. साथ ही मैं इसमें एंड में आप लोग को जो करना है वो है लेमन को स्क्वीज करना है. तो लेमन स्क्वीज करने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से हमें मिक्सअप करना है, क्योंकि मिक्सअप करने से क्या होगा, इसमें जो जूसेस जितने हैं, टोमेटो जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, और साथ में जो सॉल्ट है अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, और साथ में पीनट के साथ में अच्छे से उसकी स्किन पर चिपक जाएगा, जिससे बहुत ही अच्छा यम्मी सा टेम्पटिंग सा टेस्ट आएगा. आप लोग देख रहे होंगे कितना यम्मी सा दिख रहा है. सो हो सकता है आप लोग को भी खाने का तो मन हो गया होगा. होप आप लोगों को मेरी रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आई होगी. मुझे तो रेसिपी बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आ गया कि कितनी टेस्टी रेसिपी, और साथ में हेल्दी भी है. क्योंकि कोई भी रेसिपी टेस्टी तो हो सकती है, बट टेस्टी के साथ में हेल्दी भी, और हमें काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, ये जरूरी नहीं है. सो अपनी इस मेरी इस रेसिपी को जरूर से अपने घर में ट्राई कीजिएगा, और प्लीज मेरे साथ में मेरे सुधा डाइट क्लिनिक चैनल पर या मेरे फेसबुक पेज पर जरूर से इसकी पिक्स को शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी टेस्ट वाइज, लुक्स वाइज और हेल्थ वाइज कैसी लगी. और ये जो रेसिपी, आजकल तो कभी कभी बारिश होने लगती है, कभी कभी बहुत अच्छा मौसम सुहावना हो जाता है, तो आप लोग इसको इवनिंग में एज अ स्नैक्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाली है. सो जो कच्चा बादाम सॉन्ग के साथ में आप ये भी ट्राई कर सकते हैं. कच्चा बादाम सॉन्ग सुनते सुनते आप लोग कच्चे बादाम की चाट भी इंजॉय कर सकते हैं. तब तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा कि कच्चे बादाम का सॉन्ग साथ में कच्चे बादाम की रेसिपी. सो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. थैंक यू. Bye-bye.